अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू अपडेट डोमेन नेम सर्वर्स इन योर होस्टिंग। अगर आप डोमेन गोडेडी से बाई कर रहे हैं और आपकी होस्टिंग जो है कहीं और से आप बाई कर रहे हैं, तो उसके पर जो है आपको डोमेन को होस्टिंग उस होस्टिंग के ऊपर होस्ट करने के लिए आपको डीएनएस सर्वर जो है आपके नेम सर्वर जो है आपको अपडेट करने पड़ेंगे आपके डोमेन के सेटिंग्स के अंदर जाके। ठीक है, तो अगर आपने डोमेन गोडेडी से बाय किया हुआ है तो आप अपने अकाउंट में आएंगे गोडेडी के और प्रोडक्ट्स माय प्रोडक्ट्स के अंदर जो है आपके डोमेन लिस्ट हो रहा होगा। जो जितने भी आपके डोमेन्स होंगे वो सारे माय प्रोडक्ट्स के अंदर लिस्ट हो रहे होंगे। तो उस डोमेन के आप राइट साइड पे देखेंगे तो डीएनएस का जो है ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे, और डीएनएस को आप जब क्लिक करेंगे तो वो जो है दूसरा पेज ओपन करेगा जहाँ पे आप डीएनएस अपडेट करेंगे अपने। तो ये देख सकते हैं कि जो है डीएनएस का मैंने पेज उसने ओपन कर दिया उस डोमेन का। और दूसरा ये है कि जब आप यहाँ पे नेम सर्वर्स का ऑप्शन आ रहा है चेंज का, ऑलरेडी गोडेडी के खुद के नेम सर्वर्स यहाँ पे ऐड हुए हुए होंगे उस जगह पे, लेकिन आपको जाहिर सी बात है आपने दूसरी होस्टिंग ली हुई है तो आपको उस होस्टिंग के जो है नेम सर्वर्स आपको ऐड करवाने अपने डोमेन में। हाँ, कोई भी होस्टिंग हर होस्टिंग प्रोवाइडर्स के जो है अलग अलग नेम सर्वर्स के होते हैं जो कि डोमेन के ऊपर चल रहे होते हैं। तो होस्टगेटर का मैं आपको बताता हूँ किस तरह आप ऐड कर सकते हैं। आप नेम सर्वर्स के अंदर आप चेंज पे क्लिक करेंगे चेंज बटन के ऊपर, और यहाँ पे फिर इस दो फील्ड आ रही है नेम सर्वर 1 और नेम सर्वर 2 की, आप दोनों को रिप्लेस करवाएंगे अपने होस्टिंग के नेम सर्वर से। तो जब होस्टगेटर के आप सी पैनल के अंदर लॉगिन होंगे तो आपको राइट साइड के ऊपर ही आपको ये जनरल सेटिंग्स के अंदर जो है आपको प्राइमरी नेम सर्वर और सेकेंडरी नेम सर्वर बता रहा होगा। आपको सिंपली उस प्राइमरी नेम सर्वर और सेकेंडरी नेम सर्वर को कॉपी करना हो यहाँ पे दोनों जगह पे रिप्लेस करवाना है इन दो होस्टगेटर के नेम सर्वर के साथ और सेव कर देना है। जब तो आप सेव करेंगे तो 30 to 60 मिनट के अंदर जो है आपका नेम सर्वर जो है डोमेन के ऊपर अपडेट हो जाएगा, और कभी कभी जो है वो 24 आवर्स भी ले लेता है डोमेन नेम सर्वर को अपडेट करने में। और जब आपके डोमेन का जो नेम सर्वर है वो अपडेट हो जाएंगे तो फिर आप जो है अपनी होस्टिंग पे जो है जो भी आप वेबसाइट वगैरह की फाइल्स वगैरह अपलोड करेंगे तो वो आपके डोमेन के ऊपर जो है अपनी वेब ब्राउजर के अंदर जब आप अपने डोमेन एक्सेस करेंगे तो उसके ऊपर जो है नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था डोमेन नेम सर्वर किस तरह जो है आप अपडेट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी चीज़ों पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।